वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान के दौरान राजनांदगांव में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 43 विधानसभा में भेंट मुलाकात हो चुकी है। कल का अनुभव बहुत अच्छा रहा, जनता का उत्साह देकर बहुत अच्छा लगता है। हमारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है। कल पैरादान भी हुआ, इससे अन्य किसान भी उत्साहित होंगे। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि पैरादान को प्रेरित करें। सड़कों को लेकर कुछ शिकायत आई है, दिसंबर तक इनके संधारण के निर्देश भी दिए गए हैं। नई सड़कों के लिए भी कहा गया है। गौठान में बहुत सी गतिविधि शुरू की गई है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से 600 करोड़ निवेश किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा दे सके। हमारे ITI पुराने ट्रेड पर काम कर रहे थे, हमने नए ट्रेड भी जोड़े हैं ताकि नए समय के मुताबिक युवाओं का कौशल संवर्धन कर सकें। टाटा समूह से भी अभी बात हुई है, हम उद्यम का शानदार माहौल बना रहे हैं। महापौर देशमुख मैडम, जिला कांग्रेस कमेटी के दोनों अध्यक्ष और साथ ही भाई नवाज जी, जीतू और हमारे युवा तुर्क निखिल और हमारे पार्षदगण, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, हमारे अधिकारीगण, SP कलेक्टर साहब साथीगण, भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगभग 43 विधानसभा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 5 विधानसभा ऐसे हैं जहां जिला हम लोगों ने बनाया है, तो वहां तो वैसे बहुत सारी घोषणाएं और बहुत लोगों से, मैं समझता हूं कि एक एक जिले में 50-50 हजार लोग आए होंगे, चाहे सारंगढ़ हो, खैरागढ़ हो, चाहे वो मानपुर मोहला हो। वहां तो 5 विधानसभा ऐसे हो गया, वहां जाएंगे तो आखिरी में जाएंगे, पहले ये हो जाए तो करीब अभी तक 43 विधानसभा से अधिक हम लोगों ने कर लिया है। यहां भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सुरगी और सुकुल दहान में हम लोग गए, बहुत अच्छा लोगों का से फीडबैक मिला और सारी योजनाओं के बारे में जानकारी उन्होंने दी और काफी उत्साहित है, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हो, सब लोगों ने योजनाओं के बारे में जानकारी दी, लाभ भी उठा रहे हैं और उसे खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। कल एक और एक घटना घटी, जरूरी है कि हम पर्यावरण को बचाएं, प्रकृति के को बचाएं, तो इसके लिए हम लोग लगातार काम करें, तो एक अच्छा उदाहरण कल दोनों जगहों में देखने को मिला है। यहां जो शिकायतें आई वो सड़कें खराब है, कुछ नई सड़क बनाने भी मांग आ रही थी और कुछ पुराने जो सड़कें हैं वो संधारण के चलने योग्य नहीं है, उसके बारे में तो पहले ही हम लोगों ने